शीट रोलिंग मशीन के बारे में समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शीट्स हैं, ये बेसिकली स्क्रैप ही शीट हैं और ये जीआई और एसएस की शीट हैं। इसमें बेसिकली कहीं बेंडिंग और इरेगुलरिटीज़ हैं और इसको स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे हम रोलिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए शीट है और इस शीट को कैसे फीड किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। और हाथ में ग्लव्स पहनना ज़रूरी है क्योंकि ये शीट बहुत शार्प होती हैं, अदरवाइज़ आपके हाथ में चोट लग सकती है। ये दो रोल लगे हुए हैं यहाँ पे, एक नीचे वाला रोल है और एक ऊपर वाला रोल है। ऊपर वाला बेसिकली ड्राइविंग है और नीचे वाला ड्रिवन रोल है। तो इन दोनों के बीच हम प्रेस करते हैं शीट को तो शीट सीधी हो जाती है। ये देखिए दोनों तरफ क्लैंप लगे रहते हैं इस तरह से, और ये क्लैंप है जो कि कस के रखता है, और ये दोनों आप देख सकते हैं ऊपर वाले से नीचे वाला कनेक्टेड है थ्रू द गियर सिस्टम। और आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, एक सिंपल फ्रेम होता है, उस सिंपल फ्रेम के ऊपर माउंटेड रहते हैं। एक तरफ से आप फीड कर रहे हैं और आप देखेंगे एक तरफ से इसको शीट को निकाला जा रहा है, और फिर इसके बाद इसको कट वगैरह करके नए कुछ मशीन या नए कंपोनेंट इससे बनाया जाएगा। ये आप बेस देख सकते हैं और ये SS एंगल का बना हुआ है, MS एंगल का बना हुआ है। बेहद सिंपल मशीन है, ये हो चुके हैं इस तरफ और इसमें से कटिंग वगैरह ऑपरेशन किया जाएगा। ये इसको रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन आप चला सकते हैं स्टार्टर के थ्रू। जैसे फंस जाता है तो आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी चला सकते हैं। अब इसका पावर ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म दिखाने जा रहा हूँ जो कि बेहद सिंपल है। आप देखेंगे मोटर लगा हुआ है, मोटर से बेल्ट ड्राइव के थ्रू पुली में पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। फिर आपका शाफ्ट लगा हुआ, पुली शाफ्ट पर माउंटेड है, और यहाँ प्लमर ब्लॉक, ये स्टार्टर है, इससे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मोटर चला सकते हैं। ये आप और नीचे अच्छे से देख सकते हैं, ये पुली है, पुली के बाद फिर आपका बियरिंग लगा हुआ है, प्लमर ब्लॉक बियरिंग, और यहाँ से फिर इस तरह से ये ऊपर इस बड़े जो पुली है इसमें पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं जिससे RPM कम हो जाएंगे, और इस पुली के साथ आपका रोलर अटैच है ऊपर वाला, फिर वो रोटेट होता है और उस रोलर से नीचे वाला रोलर भी रोटेट होता है, और दोनों रोलर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। इस सिंपल मशीन की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी आई होप सो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।